पापा सुनाई दे रहा है, बहरा नहीं हूं मैं। ये होता है ट्रेलर जो अपने स्टार्टिंग में एक ऐसा हुक बनाए जिसे देखने के बाद देखने वाले की फटके चार हो जाए। एनिमल का ट्रेलर आ चुका है भाई, इसका कंटेंट बोलता है कितना खतरनाक और कितने नेक्स्ट लेवल का कंटेंट है। डिस्क्राइब करने के लिए शायद वर्ड्स कम पड़ जाए। संदीप रेड्डी वांगा भाई, इसके पेरेंट्स ने इसको किस तरह से ट्रीट किया या बचपन में ये किस एनवायरमेंट में पला बढ़ा मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन भाई जिस लेवल का कंटेंट और जिस लेवल का वायलेंस ये दिखाता है। ट्रेलर की बात करें तो ट्रेलर के स्टार्टिंग में ही रणबीर कपूर के अंदर का मेनियक हमें स्क्रीन में दिख जाता है और उनकी एक्टिंग इसको अच्छे तरीके से जस्टिफाई भी करती है। एंड इसी सीन के एंड में जब रणबीर कपूर अपना फाइनल डायलॉग डिलीवर करते हैं, पापा सुनाई दे रहा है बहरा नहीं हूं मैं, हमारे अंदर डर बैठ जाता है। इस सीन के स्टार्टिंग से ही तुम अनकंफर्टेबल फील करने लगते हो क्योंकि रणबीर कपूर की एक्टिंग कुछ ऐसी ही होती है जहां वो थोड़ा साइकोपैथ जैसा एक्ट करते हैं, और इसके एंड में जब वो डायलॉग डिलीवरी देते हैं ये तुम्हें अंदर से डरा देता है और ये डर तुम्हें पूरे ट्रेलर के अंदर देखने को मिलेगा स्टार्टिंग से लेके एंड तक। 3.5 मिनट से भी ज्यादा लंबा ये ट्रेलर तुम्हें 3.5 मिनट का फील नहीं होता बल्कि तुम्हें ये अपने स्टोरी में इतना ज्यादा इन्वॉल्व कर लेता है कि तुम परवाह करने लगते हो कि इस कैरेक्टर के साथ आगे होगा क्या। एक होती है वो मूवी जिसके मेन कैरेक्टर से आप रिलेट करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आप उसके जैसा दिखो, उसके जैसा करो, इवन आप उसके डायलॉग्स भी बोलते हो, जैसे कि अपने रॉकी भाई और जवान मूवी से विक्रम राठौड़। और ये एक मूवी है जिसके मेन कैरेक्टर से तुम्हें डर महसूस होता है, उसको स्क्रीन पे देख के तुम डरते हो और ये सोचते हो कि भाई अगले ही पल ये क्या कर देगा, किसी को आइडिया नहीं। और एज एक्सपेक्टेड मूवी के अंदर वायलेंस बहुत ज्यादा है, ट्रेलर में उसका एक छोटा डोज दे दिया जाता है और उसके लिए सैल्यूट है संदीप रेड्डी वांगा को, नेक्स्ट लेवल वायलेंस दिखाया है इस मूवी में। उसके अलावा रणबीर और रश्मिका के बीच का ये सीन काफी ज्यादा इंपैक्टफुल है, दोनों के बीच की कन्वर्सेशन ऑन पॉइंट है, एक्टिंग भी ऑन पॉइंट है और देख के तुम्हें रणबीर कपूर के कैरेक्टर के लिए थोड़ा थ्रेटनिंग फील होता है कि भाई ये कितना खतरनाक कैरेक्टर है, अपनी वाइफ का गला दबा रहा है तो भाई दूसरों के साथ ये क्या करेगा। उस पे भी इस सीन के अंदर रणबीर कपूर का ये डायलॉग, फाइटिंग गोस्ट इन योर हेड, डू यू इवन रियलाइज दैट, मैं गोस्ट से लड़ता नहीं हूं, उन्हें खा जाता हूं। और ऐसे ही कई सारे और भी सीन्स हैं इस ट्रेलर के अंदर जो कि तुम्हें रणबीर कपूर का कैरेक्टर डिस्क्राइब करते हैं कि एक्चुअली में ये बंदा किस लेवल तक जा सकता है। अब इस पूरे ट्रेलर में एक सीन ऐसा था जहां तुम्हें थोड़ी बहुत एक्साइटमेंट और गूज़बम्प्स वाली फीलिंग आएगी, वो है ये मशीन गन वाला सीन। अब इसे मशीन गन बोलूं या मशीन कार तुम्हें जो ठीक लगे समझ लेना, पर ये इकलौता ऐसा सीन है पूरे ट्रेलर के अंदर जहां तुम चीयर करते हो, लेकिन इस सीन के अलावा तुम्हें पूरे ट्रेलर के अंदर एक्साइटमेंट की जगह डर महसूस होता है और तुम लिटरली डरे हुए होते हो अंदर से। और हाँ, ना सिर्फ ट्रेलर में, पूरी मूवी में भी एक्चुअली यही होने वाला है, जहां लोग अपने हीरो को चीयर करने से ज्यादा थिएटर में साइलेंट बैठे रहेंगे क्योंकि भाई पूरे थिएटर में क्या चलेगा, वायलेंस का नंगा नाच। इसके अलावा लॉर्ड बॉबी की बात करें तो इस कैरेक्टर को समझने के लिए बस ये एक सीन काफी है, जहां से गेटअप को देख के लग रहा है कि भाई ये किसी की शादी अटेंड कर रहा है एंड इसके गले में जो माला है उसे देख के लग रहा है कि भाई ये खुद ही दूल्हा है एंड इसके चेहरे पे खून के छींटे पड़े हुए हैं, बंदे की आंख से आंसू निकल रहा है और फिर भी इस सीन की एक्टिंग तो नेक्स्ट लेवल है ही, लेकिन जो इम्पैक्ट बनाता है इस कैरेक्टर को, इस पर्टिकुलर कैरेक्टर को लेके खतरनाक है। एंड इसी के साथ जब ट्रेलर एंड होता है तो अपने को एंड में एक रनवे के अंदर फाइट देखने को मिलती है जहां पे रणबीर कपूर और अपने लॉर्ड बॉबी दोनों लड़ रहे होते हैं। ये सीन प्रोबेबली एंड वाला सीन होगा एंड देख के बहुत ज्यादा खतरनाक और ड्रेडफुल लग रहा है। एंड इसी के ठीक बाद जब ट्रेलर का एंड वाला शॉट आता है, ये शॉट देख के मैं स्पीचलेस हो गया था। मैं क्या, ऑलमोस्ट जितने भी बंदों ने देखा होगा भाई वो ऑलमोस्ट आउट ऑफ वर्ड हो चुके होंगे कि ये क्या देख लिया, ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था और शायद ही किसी ने ये चीज एक्सपेक्ट करी होगी किसी मूवी में देखने के लिए। थ्रिल और टेरर का एक परफेक्ट डोज है ये ट्रेलर मेरे ओपिनियन में। बाकी इस ट्रेलर को देखने के बाद मूवी के लिए तो मैं एक्साइटेड हो ही गया हूं, लेकिन साथ ही साथ संदीप रेड्डी वांगा के नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए मैं और भी ज्यादा एक्साइटेड हो चुका हूं, जो कि अपने प्रभास भैया के साथ, यानी कि स्पिरिट मूवी। बाय द वे स्पिरिट मूवी पे हमने डिटेल में बात कर रखी है, उस पूरे वीडियो को देखने के लिए तुम इस वाले वीडियो को देख सकते हो। बाकी मेरा नाम है अभी एंड यू आर वॉचिंग सिनेमा विद अभी।